हमार मैया जाइल ना दो हमार कन्हैया साड़ी लेल को तो टाइगर ना टाइगर दा 24 में दारू और मुर्गा ना दे तो वोट देबी कि ना टाइगर दारू और मुर्गा ककरो ना चाहिए हमरा वोट देना हो तो देना अब ठेपा छाप नेता ना चल तो पढ़ल निकल आता चाहे पढ़ल निकाल लेकिन अंत करेंगे तो डायरेक्ट 24 में सीएम बना के 24 में दूध मांगेगा खीर देंगे दूध मांगेगा खीर देंगे और टाइगर मांगेगा देंगे तोरा की कहना चाचा आबरी ओकरे सीएम बनाना ओनली 4-1 टाइगर जयराम मातो से टाइगर जिंदा है जिंदाबाद और कोई गलती से अगर घुसलो उ गलो फिर भितरे भितरे गलो हां के बेच के खा जितो बाद में हमने झुनझुनिया बजेबी झारखंड में अरे भीड़ आप लोग को देखने को मिल रहा होगा जो यहां पे अभी टाइगर जयराम दा का सभा चल रहा था अभी सभा कुछ ही देर में खत्म हुआ है अब यहां हम कुछ झारखंडी भाइयों के बारे उन लोगों से हम पूछते हैं जानने का प्रयास करते हैं उन लोग यहां पे क्या करते हैं और टाइगर जयराम दा के बारे में उन लोगों का क्या सोच है तो टाइगर जयराम दा आज मुंबई आए हैं इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे टाइगर जयराम दा आए इसके लिए हार्दिक अभिनंदन स्वागत है उनका जितना प्रवासी मजदूर यहाँ पर आए अपने यहाँ भूमि समय योगदान दिए इसके लिए तहे दिल से प्रवासी मजदूर को लोगों को भी प्रवासी भाइयों को जोहार नमस्कार प्रणाम जो आज टाइगर जयराम दादा का भाषण को सुनने को जो हम लोगों को मिला नया संदेश दिए जो यहाँ पर कैसे रहना है और कैसे हम लोग नेता को वैसे नेता को चुनना है कि जो अपना झारखंड को उज्ज्वल भविष्य की ओर ले जाएंगे यही जयराम दादा को सीखने को कुछ मिला और इतने जनसलाब में लोग आए हैं इस पर तो पक्का तय है कि जयराम दादा का जीत पक्की होगी और 23 साल के बाद जो अभी इस बार चुनाव जो होने वाला है जो सीएम बनेंगे हमारे टाइगर दादा 24 में एकदम सीएम बना देना दादा को सबका योगदान रहेगा आपका मेरा सबका अपना झारखंड वासी प्रवासी मजदूरों को सभी का योगदान रहेगा तभी एक अकेला हम अगर देंगे तो नहीं होगा सभी पूरा, का पूरा देंगे पूरा झारखंड का जितना है और इतना आशा है कि जो 23 साल में नहीं हुआ है अपना झारखंड में ये 5 साल में कुछ जरूर बदला होगा अगर हम लोगों ये नहीं सोचना है कि हम लोगों को प्रवासी मजदूर जो यहाँ पर काम काज के लिए आश्रित हैं वो काम काज छूट जाएगा ये नहीं हमारे आने वाला जो पीढ़ी है बाल बच्चा उस उन लोगों को जो हम लोग झेल रहे हैं वह उन लोगों को नहीं झेलना पड़े हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए यही संकट हमको नया चेहरा दिखाई दे रहे हैं अभी हम सब युवा हैं 18 क्रॉस किए हैं 18 से 25 के बीच के सभी प्रवासी मजदूर हैं उसे एजर भी है आज संडे है काम हम लोग तो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं सबका काम था लेकिन केवल और केवल जयराम माता दादा को सपोर्ट करने के लिए हम लोग छुट्टी करके आए हैं हम टैक्सी ड्राइवर हैं ये ऑटो ड्राइवर है कई सारे फैक्ट्री में काम कर रहे हैं आज हम काम पे नहीं गए वो हमारा पैसा कटेगा लेकिन हम लोग सपोर्ट करने के लिए जयराम दादा को आए हैं और हमारा विधानसभा जो पड़ता है जिसका जिसका जहाँ पे विधानसभा है वो अपने अपने विधानसभा से जयराम दादा पार्टी को सपोर्ट करिए ठीक है तमाम मीडिया वालों को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद दूंगा जो आपने इतना समय को योगदान दिए इतना गर्मी को इतना दर्द पीड़ा को सहे सबसे पहली बात तो यहाँ पे एक संस्था का स्थापना दिवस रखा गया था लेकिन हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देखे कि जयराम दादा आ रहा है और ये जनसैलाब देखिए जयराम दादा का जनसैलाब पहले पीछे कैमरा थोड़ा घुमाइएगा जनसैलाब देखिए अब इसी से आप मुआयना कर लीजिए मीडिया भाई लोग इसी से मुआयना कर लीजिए कि 24 में किसको देखना चाहते हैं जयराम मातो आप लोग किनका सपोर्ट करना चाहते हैं सब हर बार ओनली 4 जयराम मातो सिर्फ सीएम बनेगा बाकी कोई नहीं रहेगा ऐसे बोलो 5 साल निकाल जो हमें रोजगार दिए पाते झारखंड में बाहरी विधायक बाहरी सांसद ना चलतो ना चलतो ना चलतो ये आंदोलन जो शुरू हुआ था हम लोग का भाषा खतियान का भाषा से शुरू हुआ लेकिन अंत करेंगे तो डायरेक्ट 24 में सीएम बना 24 में 32 का खतियान चालू किया था 2024 में टाइगर दादा के सीएम बनाना है कहाँ घर बोलो तो हमार घर बोलो गोमिया जिला के बोकारो जिला के गोमिया प्रखंड के बड़की सीधा घर की अगला बार सब वोट दे के टाइगर जयराम दादा के सीएम बनाना एकदम बनाना 2024 लेके अबरी आना हो तोरा की कहना चाचा अबरी ओकरे सीएम बनाना ओनली 4-1 टाइगर जयराम मातो से टाइगर जिंदा है जिंदाबाद और कोई गलती
गलती से अगर घुस लो गलो फिर भितरे भितरे गलो। हाँ दूध मांगेगा खीर देंगे, दूध मांगेगा खीर देंगे, टाइगर जाके भोर देवी ना। अरे टाइगर के चलते हम पोल्ट्री शेड बंद कर दिए, पुणे में भी हर लेबर कॉलोनी में काम कर रहे हैं, 24 का बदलाव के लिए हम अभी काम कर रहे हैं। मुंबई में आप क्या करते हैं? पुणे में रहते हैं, पुणे में लेबर कॉलोनी शाहपुर जी में मेरा काम है पोल्ट्री शेड में चलाना, लेकिन बंद कर दिया हूँ, चुनाव के लिए 24 में बदलाव करना है हमको, इसीलिए हम पूरा पुणे में लेबर कॉलोनी गोवा हो एकदम ओनली टाइगर के सिवा दूसरा किसी को आने नहीं देना है। टाइगर अभी जिंदा है, करना पड़ेगा करेंगे, जो भी करना पड़ेगा। अकेला टाइगर पूरा झारखंड के सिस्टम को बदल दिया, यकीन मानो अगर 2024 में सीएम बनता है तो आधा से ज्यादा झारखंड खाली हो जाएगा और इतने सारे प्रवासी मजदूर जो बाहर में भटक रहे हैं देने के लिए घर चल जाएंगे, वो सबको रोजगार झारखंड में व्यवस्था किया जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? कुमार गुनू। कहाँ घर है? विधानसभा खेतको से हम लोग हैं। तो टाइगर जयराम दास मुंबई आए, इसके बारे में आपको क्या कहना है? कुछ नहीं, उसका सपोर्ट करेंगे यहाँ से लेके झारखंड तक, यहाँ भी सपोर्ट किए, घर पे भी जाएंगे, इलेक्शन के टाइम पे भी जाना है, ये नहीं कि 24 में सबको जाना है झारखंड, कल 15 दिन छुट्टी मिलेगा सबको। बोलिए सर, आपको क्या कहना है टाइगर जयराम दास के बारे में? टाइगर जयराम दास के बारे में हम लोग यही कहना चाहते हैं कि अगला 2024 का जो चुनाव है वो टाइगर जयराम महतो को हम लोग सीएम के रूप में देखना चाहते हैं, और हम लोग जो 60-40 जो खतियान चालू किए हैं वो लागू होना चाहिए, यही मैं टाइगर दारा से आग्रह करता हूं और विनती करता हूं, और जितने भी हमारे झारखंड से आए हुए प्रवास मजदूर जितने भी है सबको बहुत दुख तकलीफ होता है, यहां पर जो मर जाता है कोई माँ बाप का मुँह भी नहीं देखना देखने के लिए तरसता है, यहाँ से जितना भी हमारे जितना भी बेलापुर में आए हुए झारखंड के प्रवासी मजदूर है सबको मैं एकता देखना चाहता हूँ, और 2024 में तो हम लोग सीएम के रूप में उसको देखना चाहते हैं। चैनल और चैनल के नाम की है डिस्कवर झुमरी तिलैया। आप झुमरी तिलैया से आए हुए हैं, झारखंड से है ना? धन्यवाद। आप देख पा रहे होंगे कि टाइगर जयराम दास का केवल सभा सुनने के लिए यहाँ लाखों का भीड़ है, लाखों का भीड़। 2024 में सहिया जितना बेलापुर में आदमी ही अमर झारखंड के सबके यही निवेदन कर रही हो, 2024 में सब घर चल और जयराम दा के वोट डाल और विजय बना, जयराम दा के सीएम रूप से लाने चाहो, ये जयराम दा के हमारे रघुवर दास है लो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, अमर झारखंड में राज कर रहे हो, की करो को 5 साल में हमारे यही बता के चल, और अभी हेमेंदा बना लो की कर लगलो, कुछ ना कर लगलो, सब झारखंड के बेच के खा जीतो, बाद में हमने झुनझुनिया बजे भी झारखंड में और कुछ ना बचतो। तोरा की कहना चाचा? हम गिरिडीह जिला से ही हो, पीरटांड प्रखंड से, हमारे विधायक हो सुदीप कुमार सोनू, पीरटांड हमारे विधायक हो सुदीप कुमार सोनू, जे कि हमने के इतना दिक्कत हो, रोड अभी देख भी तो चले लायक ना हो, ना गाड़ी चलाए सको है, कितनों वीएपी गाड़ी ले भी लेकिन चले लायक रोड न खो, हाँ भाई जी में पूरा बहुत दिक्कत हो, अब की बार मतलब हमने बदलाव करने सोच लिये, जैसे कि जयराम जयराम टाइगर जयराम जयराम के 2024 में हमार गांव ग्राम माए बहन जितना हमार हथिन सबके यही कहबे केवल जयराम के जिताओ। कोची काम करो है? हम यहाँ पोकलेन ऑपरेटर ही है, एयरपोर्ट में काम करो है, जैसे एयरपोर्टवा में यहाँ चलो है, हाँ नहीं का एयरपोर्टवा बनो, हमारे होटल के मैनेजर रखो, अपन होटल के हमारे झारखंड के को हमने नगर मैनेजर बने लो, कल हमारे झारखंड के रहे चाहिए, हमने होटल में मजदूरी काम करो, ये जितना भी हमारे झारखंड के नौजवान है सबसे हम यही आग्रह करो यो कि 2024 में जखन वोट के चुनाव तो तखन ये ना कहिए हमार घर राशन ना हो, हमार मैया जाइल ना दो, हमार कन्हैया साड़ी लेल को, कोई भी हालत में झारखंड हमने के पहुंचना हो एक प्रण लिया जाए अपने आप से, हिंदी में बोलो यो, खोटा में दियो भाषा में हम बोलो यो, और हमको झारखंड में सीएम दूसरे लाना है, कोई हर हालत में हमने के टाइगर दादा के सीएम देखना हो तब झारखंड बदलाव हो सको, हमारे झारखंड से आज कितना कोयला आओ, कितना पानी आओ, कितना उर्वरक आओ, ककरो हिसाब ना हो, हमारे महाराष्ट्र के गुजरात के बंगाल के सब जाके वहाँ नौकरी करो, कोई अधिकारी हो, कोई चीफ मिनिस्टर हो, कोई ये हो, कोई फलना हो डिमका, हम उस सबके देखना चाहो यो, जितना भी हमारे अधिकारी हो जितना बड़ा बड़ा पद में हो सब हम झारखंड के आदमी के देखे चाहो यो, ये
भाई, हम आपसे झारखंडियों से आग्रह करता हूँ ये, और बहुत भरोसा करो यो, जितना भी झारखंड के मन जवान है, कोई पॉपलेन हो, कोई होटल में काम करो, कोई बेचारा गटर साफ करो, आज मराठी मानो एक दिन काम करे ना जाओ तो खाना ना दो, रूम में रह ना दो बढ़िया से, और ऊपर शोषण करो कि तुम काम पे नहीं आया आज, तुम काम से निकल जाओ, पगार नहीं मिलेगा, 8 दिन के पगार ना दो, घर जाइयो तखन हिसाब ना मिलो, तो ये सब बहुत लगो बनासु नागी, ठीक हो, हम समाज से भी आदमी हो, हम समाज से भी आदमी हो, और हम बहुत नौजवान के भी जगाने कोशिश कर ला लियो, हम बहुत आदमी के प्रयत्न भी करो ये कि जागो, कोई पढ़ल ना हो, कोई अंगूठा छाप हो, खाइलो पीलो दारू पीलो सुत गेलो, तो टाइगर ना, टाइगर दा 24 में दारू और मुर्गा ना देता तो वोट देबही कि ना, टाइगर दारू और मुर्गा ककरो ना चाहिए हमरा, वोट देना हो तो देना हो, हमने सीएम देखे चाहो यो, सबसे पहले नौजवान के जागे आतो तब हमारे घर जागतो, हमर मैया अंगूठा छाप हो, बबुआ अंगूठा छाप हो, ओकरा कुछ देश दुनिया के बारे में मालूम ना हो, ओकरा जगावे के कोशिश कर, तो हर घर जगाना हो, एक माय बाप के सब कोई जितना सभा सुन ली तो घर हम अपन कुछ राय दबी उस सबके वोट डूट के बारे में, हमर घर हम ना, हमने करीब गोतिया 40 से 45 घर गोतिया है जो हम सबके जगा दिले ऑलरेडी, अभी घर से हम आते जो 10-15 दिन भेलो सब जागरूक भे गेलो, अभी आप देख पा रहे होंगे बेलापुर में जयराम दा आए हुए थे, और इस गाड़ी का दिखाएं जरा सा, इसी में अभी आए हुए थे और अभी यहाँ से निकलेंगे अपने ऑफिस, अभी आप देख पा रहे होंगे टाइगर जयराम दा सभा खत्म करके अपने रूम के और निकल रहे हैं होटल के, और लोगों के द्वारा यहाँ पे फूलों से बारिश किया जा रहा है, अभी यहाँ पे टाइगर जयराम दा अभी गाड़ी में बैठ रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे अब सभा यहाँ पे हो चुका है ख़त्म, और अभी भी दर्शक का भीड़ कमा नहीं है, घटा हुआ नहीं है, और दर्शकों का प्यार दुलार जिस तरह से सब दे रहे हैं, एकदम दे रहे हैं, भरपूर प्यार दे रहे हैं, अभी तक भीड़ कम लेने का नाम ही नहीं ले रहा है, और सब टाइगर जयराम दा को यहाँ से विदाई दे रहे हैं, तो टाइगर जाके तरफ भाषण कैसा लग रहा, टाइगर में अच्छा लगा, 2024 मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं हम लोग, टाइगर जयराम माथो को कौन सी काम कर रहे हैं, हम लोग मजदूरी काम कर रहे हैं हम लोग, टाइगर जाके भाषण सुन के भाषण तो बहुत अच्छा लग रहा, 2024 में हम सीएम देखल चाहे जयराम माथो के, कुछ ना चाहिए, दारू मुर्गा ना मिलता हो, चाहिए भी ना, हम इनके कुछ ना चाहिए, बीजेपी से मिलते वो भी हटा दबो, हेमंत सोरेन भी देते वो भी हटा दबो, अशु पांडे देते वो भी हटा दबो, लेकिन टाइगर जयराम दा के सीएम लान दो, हम इनके पार्टी अलग हो। मेरा नाम गणेश है, मैं आईटी कंपनी में काम करता हूँ, यहाँ पे मैं बोकारो का रहने वाला हूँ, बोकारो थर्मल का, ये जो झारखंड सरकार रिक्रूटमेंट किया है बीजेपी के टाइम में ना, इसका कोई बेसलेस रिक्रूटमेंट पॉलिसी है भाई, 1985 किया जो यहाँ से पढ़ा है टेन, उसको भी आप सर्टिफाई कर रहे हो कि वो झारखंड का है, आप जो 12th पास है वो भी है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, उसका दो दो डॉक्यूमेंट्स रहेगा, वो झारखंड में भी रहेगा, वो बिहार में भी रहेगा, बिहार में भी रहेगा, ये कौन सा रिक्रूटमेंट पॉलिसी है, वो कोई पूरा बेसलेस इसका रिक्रूटमेंट पॉलिसीज था। दूसरा बार बोलना चाह रहे, जो जेएमएम लेके आया था, जेएमएम लेके आया था वो बीजेपी, तो 1985 लेके आया, अरे भाई 1985 क्यों, लास्ट डे ऑफ सर्विस सेटलमेंट आप लेके आओ ना, ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट डे ऑफ सर्विस सेटलमेंट यू नीड टू रिक्रूट कैंडिडेट फ्रॉम झारखंड ओनली, अगर यहाँ से आप नहीं कर रहे हो उसके बाद बीजेपी जेएमएम लेके आया कि झारखंड से आप 10 पास हो, 10th पास हो, 12th पास हो, आप हायर हो सकते हो झारखंड के लिए, भाई कैसे हम लोग कहाँ जाएंगे, साला बिहारी लोग आके झारखंड में भी बनाएगा, बिहार में एक बहन साला बिहार में दरोगा बनेगी, दूसरा भाई झारखंड में बनेगा, अबे क्या तुम लोग तो सुप्रीम कोर्ट को भी अवलंबन कर रहा है, तुम लोग कुछ तो इसका रिक्रूटमेंट पॉलिसी है नहीं, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि झारखंड में जयराम माथो को आने दीजिए, हम लोग पूरा सपोर्ट करेंगे, ईच एंड एवरी माइन ऑफ डिटेल विल गिव इंफॉर्मेशन, से हम लोग सारे तरीके से शेयर करेंगे, सारा कोशिश करेंगे कि हाँ रिक्रूट हो झारखंड का, और झारखंड का ही मुख्यमंत्री बने, और जयराम दा जो है फिट एंड फाइनल, ये क्या है, तथ्य के आधार पर बातों को बोलते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रिक, ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक, जो होता है ना कि रेशनल बात बोलना, वो रेशनल बात बोलते हैं, और हम लोग को इस बार
जयराम दा को सीएम बनना हम लोग देखना चाहते हैं एंड इट इज एसेंशियल फॉर झारखंड। और देखिए झारखंड का अभी तक कौन बना है मुख्यमंत्री कि झारखंड अलग ना हो। अब जब झारखंड अलग हो गया जेएमएम क्या कर रहा है, यही जेएमएम लड़ता था, यही सीपी सोरेन लड़ा है उन लोग से और अभी वो लोग को प्रवक्ता बना रहा है, जेएमएम का रिप्रेजेंटेटिव है। अरे भाई तुम कैसा क्या निवेदन है, कोई दारू मुर्गे ये सब में मत जाओ, बीमार गुटके ये सब में मत जाओ कि बीजेपी वाला मेरे को दारू दे रहा है उधर मुर्गा दे रहा है पिएगा, वो सब कारण मत देखो, सिर्फ लाओ तो टाइगर जयराम महतो को लाओ और बाकी किसी को मत लाओ, इधर किसी को मत लाओ, टाइगर जयराम महतो को आना चाहिए झारखंड में। और 2024 में सबसे निवेदन है सब आधा बम्बई को खाली करके 2024 में झारखंड जाके बीजेपी टाइगर जयराम महतो को वोट डालो और बाकी किसी के तथ्य का बात बोलते हैं। पहले 1994 से हम बम्बई में है, छोटा मोटा काम करते करता मैं टैक्सी चलाता हूँ, मेरा फ्लाइट है और झारखंड में अभी जयराम महतो जब से मैं सुना हूँ तब से मैं इतना चाहता हूँ जयराम महतो को सीएम तक बन जावे, बहुत अच्छा हमारे आशीर्वाद रहे उसके पास। और कहा झारखंड मेरा कुना एक आदमी के बोलने से थोड़ी होगा चाचा, झारखंड के ये गलत है, पूरा झारखंड के पूरा सपोर्ट है जयराम दा के, पूरा सपोर्ट है, हमारे सारा फैमिली है, सारा फैमिली हम पूरा सपोर्ट झारखंड के तैयार है, कुना टेम कर रही है हमार काका ही कर को रेड्डी के जो सांसद है उनके अलावा हरिया होने झारखंड के सुन झारखंड के हजारी को अरे गिरिडीह का सांसद अभी भारिया ने पहले था रविंदर पांडे अभी लोकल है वो ए सुन हमारे ये हजारीबाग में जे हो जेम से कहाँ के यूपी के को यूपी के बिहार के बिहार से कई राज कर लो बोल बिहार से कई राज कर लो झारखंड में की कोई बने लायक ना लो लेकिन वोट कोई ना डाल तू सब मुर्गा दारू में बिक गल तू कैल बिक लो कुछ करल को नाबरी मुर्गा दारू मिलता सपोर्ट सुन हमारे झारखंड के शिक्षा मंत्री हो बेबी देवी सुन ना बेबी देवी हो शुद्ध हिंदी ना पढ़े लाओ आज वो शिक्षा मंत्री बना लो बोल बाल बच्चा के सुन आज उसको इंटरव्यू में बोला विधानसभा में हिंदी पढ़ो नहीं आता उसके ऊपर एक गार्डन लगाया क्यों लगाया आज अगर मेरे बच्चे हो इसको हिंदी नहीं पढ़ने आएगा मराठी पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे झारखंड में पैदा करेंगे क्या महाराष्ट्र में लाके पढ़ाएंगे या गुजरात में पढ़ाएंगे क्यों पढ़ाएंगे बताओ क्यों झारखंड में रविंदर पांडे जो के मेमोरियल हॉस्पिटल बनाया था उसका बाप का घर से बिहार से लेकर आया तो हम ही लोग का पैसा लूट के बनाया ना एंड वी ऑल आर ओवर द पीपल हु इज फ्रॉम झारखंड वी आर सफरिंग फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ लिमिनिटी देन हाउ कैन वी डू दैट यार हम ये बोल रहे कि इतना जन्म नहीं आए झारखंड से डर डर के ठोकर खा रहे और उस सब से लगा बिहार झारखंड में राज करता है जे अमर भैया हो इधर पढ़ा लो बहुत कुछ बमेम की कर लगा लो कुछ कामे करो तो आज वही अगर मराठ के आईटी कंपनी में काम करो यो 50,000 महीना कमा झारखंड में रहती हो सीसीएल में तो 1,00,000 का मैं तलियो कई कमाए लगा लो फिर कई ले लो मराठी सब माए बाप के अपन बहन भाई सब के छोड़ के आ लो भाई हो आर्मी में फैमिली अपने पूरे ही है यो अमर भाई आर्मी में इंजीनियर है चाहो यो झारखंड अलग होला से कई साल हो गया झारखंड में अभी से सही से नियम नीति ना बना लो जकर कारण से नियुक्ति ना हो रहा बोल सब की कर लो सरकार शिक्षा सब अखनी अपन लूटे में है तू अभी युवाओं के सरकार इतना भीड़ हो हुआ है सब हां घर वाला चाचा तो हमर घर है बरकठा प्रखंड हां अच्छा हमर नाम है सरजू महतो हां 2024 में जयराम दादा को आना जरूरी है और जितने भी हम लोग हैं सब समर्थन उसको ही देंगे और उसको जिता के रहेंगे और निवेदन है कोई मारो सब कुछ दारू मुर्गा में मत जाओ सिर्फ टाइगर जयराम दा के ऊपर जाओ और बाकी कुछ मत जाओ खाली जयराम दा को जिताना है और जिताना है हम लोग सबको यही निवेदन है कि 1998 से बम्बई में है लेकिन आज तक बदलाव हमारे झारखंड में नहीं हुआ है लेकिन हम लोग बदलाव देखना चाहते हैं जयराम दा से हम चाचा से बच्चे अभी चाचा से पूछो झारखंड में इतना साल हुआ झारखंड अलग हुआ है बिहार से क्या क्या बदलाव हुआ कुछ नहीं बदला हुआ है अभी जय के तई है जो हम देखते आ रहे हैं अभी से जब से तब बम्बई में क्या करते मैं गाड़ी चलाता हूँ हम लोग ओला उबर का जो है गाड़ी वो टैक्सी वासी है और वही चलाता है हम 98 से चला अभी वही बच्चे को पढ़ा रहे अपने जो शिक्षा मंत्री है झारखंड का बेबी देवी उसको हिंदी नहीं आता पढ़ने क्या वो बच्चे को संस्कार देगा मेरे को यही बताओ कुछ नहीं 2024 में हम लोग जरूरी है कि जयराम दा के जिताना है और सब लोग मिलके जिताना है जय झारखंड जय महाराज जोहार झारखंड।